साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी गिरिराज सिंह सिसोदिया। साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कार वॉशिंग के बारे में, कार वॉशिंग के दोनों प्रोसेस बताए थे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चेंजिंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल फिल्टर, कि हमें जो है अपनी कार में ऑयल चेंज कैसे करना है, ऑयल फिल्टर चेंज कैसे करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथियों, हमें जो है अपनी गाड़ी में ऑयल का चेंज करने का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर थोड़ा कम हो जाता है तो उसमें टॉप अप करने का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें थोड़ा सा ऑयल 1 लीटर या आधा लीटर अपने पास लेकर रख लेना चाहिए, फॉर इमरजेंसी अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको टॉप अप कर लें। लेकिन अब इसमें क्या है कि ऑयल को चेक करने के लिए एक डिपस्टिक होती है, उस डिपस्टिक से को निकाल के, खोल के निकाल के हमें ये पता चल जाता है, एक तो उस पर मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, ये दोनों चीज़ें उस पर बनी रहती हैं, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। यानी हम जब उसको निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑयल मिनिमम पे है या हमारा ऑयल मैक्सिमम पे है या उसके बीच में है, ये हमें पता चल जाता है। दूसरा क्या है कि हमें जो है ऑयल का जो है पता कि उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं, वो अगर हम उसे उंगलियों पर लगा के देखते हैं तो जो उसके अंदर चिकनाई होती है, लुब्रिकेशन होता है, उससे भी पता लग जाता है। क्योंकि हमारा ऑयल अगर थोड़ा पुराना हो जाता है तो जो फ्रिक्शन के कारण जो पार्ट्स घिसते हैं, उसकी जो डर्ट, उसकी जो गंद निकलती है, वो भी ऑयल के अंदर मिक्स हो जाती है। तो अच्छे ऑयल में और ख़राब ऑयल में दोनों में डिफरेंस का पता चल जाता है। अब हमें अगर ऑयल चेंज करना है तो ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कार को एक प्लेन प्लेटफॉर्म के ऊपर या प्लेन सरफेस के ऊपर खड़ा करना चाहिए। अब जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें एक स्क्रू लगा रहता है, उस स्क्रू को खोल के हमें जो है जो ड्रेन प्लग है उसको खोल के ऑयल निकालना है। लेकिन उसको खोलने से पहले हमारे पास एक बर्तन होना चाहिए, कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें हम जो गंदा ऑयल निकलेगा उसको निकाल सकें। ये साथियों जरूर ध्यान रखें कि ड्रेन प्लग को तभी खोलें जब हमारे पास कंटेनर हो। अब हम क्या करते हैं कि जो ड्रेन प्लग होता है उसे खोलते हैं, कंटेनर को पहले ही नीचे रख देते हैं, तो जो ऑयल भरा हुआ है उसमें जो खराब ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है और इससे वो कंटेनर के अंदर भर जाता है। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप ऑयल निकाल रहे हैं और ऑयल निकल के ख़त्म होने वाला है तो अपनी गाड़ी को फ्यू सेकंड्स के लिए थोड़ा चला दें। उससे क्या होता है कि जितना भी गंदा ऑयल हमारे पार्ट्स के अंदर भरा हुआ है वो भी नीचे निकल जाता है, और नीचे जो हमने वो बर्तन रखा हुआ है, कंटेनर रखा हुआ है, उसमें भर जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो ड्रेन प्लग हमने खोला है उसको अब हमें रिप्लेस कर देना है, यानी हमें हमेशा नया ड्रेन प्लग लगाते हैं जब भी हम ऑयल चेंज करते हैं पूरा, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि हमारा जो ऑयल है कहीं बीच में ड्रॉप करके लीक ना हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ड्रेन प्लग को नया लगाते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर को हम पुराने वाले को भी खोल देते हैं। पुराने वाले ऑयल फिल्टर को जब हम खोल देते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ऑयल लगा रह जाता है, उसको हम कपड़े से साफ कर देते हैं। अब क्योंकि ये ऑयल फिल्टर जो होता है ये नया रिप्लेस ही करना होता है, इसमें कुछ ठीक होने वाला नहीं होता। ये जो ऑयल फिल्टर है अगर आप देखेंगे तो ये, यानी इसमें
प्लीट करके, प्लीटिंग करके पेपर लगा होता है, कवर एशमी लगी होती है, गैस्केट होता है पूरा, और ये पूरा सील्ड फिल्टर होता है, यानी किसी तरह की भी गंध ऑयल के अंदर जो भी होती है, ऑयल फिल्टर जब लगा होता है वो बिल्कुल जाने नहीं देता, मामूली से पार्टिकल्स को भी नहीं जाने देता। तो इसको हम अच्छे से लगा देते हैं, लेकिन जो गैस्केट लगा रहा है होता है उसको हम बिल्कुल हटाते नहीं हैं, वो पहले से ही जब हम फिल्टर को तैयार करते हैं तो वो शीमिंग मशीन हमारी होती है उसी पर तैयार करते हैं, तभी वो गैस्केट शीमिंग टाइम पर फिट कर दिया जाता है। तो वो बहुत अच्छे से बैठा हुआ होता है, और जब हम इसको कस देते हैं ठीक से टाइट कर देते हैं, तो ये फिर वहाँ से ऑयल लीक नहीं करता। अब हमने नया फिल्टर लगा दिया और नीचे जो ड्रेन प्लग था वो भी लगा दिया। अब इसमें 4-5 लीटर ऑयल होता है वो इसमें भर देते हैं पूरा। ये ध्यान रखें आप कि इसमें ऑयल डालते समय हमें इतना ज़्यादा ऑयल नहीं भरना है कि मैक्सिमम लेवल से भी ऊपर निकल जाए, मैक्सिमम लेवल तक ही भरना है जो हमारी डिपस्टिक बता रही है मैक्सिमम लेवल, और इससे ऊपर भरेंगे आप तो वो वेस्टेज चला जाएगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब भी आप चेक करें, जब आपने नया ऑयल डाल दिया, डिपस्टिक उसमें लगा हुआ है, उसको निकाल के एक बार देख लीजिए कि सही से पूरा का पूरा ऑयल भर गया कि नहीं, उसमें मैक्सिमम लेवल तक शो कर रहा है कि नहीं। और इसमें क्या है, एक चीज ये और ध्यान रखनी है कि जो हमारा पुराना ऑयल है जो आपने इसमें से निकाला है उसको भी सही से डिस्पोज ऑफ कर दो, क्योंकि ये जो है रीयूज में ना आ जाए कहीं गाड़ी के, इसको आप डिस्पोज ऑफ कर दो, और जो फिल्टर है उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दो। और इस तरह से आपका जो ऑयल भी चेंज हो जाता है और फिल्टर भी चेंज हो जाता है, यानी इस दोनों काम को आप आसानी से कर सकते हो। तो साथियों, मैंने आपको अभी बताया कि अपनी कार में आप ऑयल चेंज कैसे करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज कैसे करेंगे, इसका आपको पूरा प्रोसेस समझाया। और ये जो है आपका जो ऑटोमोटिव है 10th क्लास में यूनिट 3 में, तो उसमें ये आपका सिलेबस है। मैं आपके लिए 9th क्लास, 10th क्लास, 11th 12th के इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि आपको कमेंट बॉक्स में आपके कोई सुझाव हो तो उन्हें ज़रूर डालें। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना और चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।